आपका स्वागत है गांगुली टेक पर, मैं हूं संदीप गांगुली। और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको SQL में अपडेट कीवर्ड का कैसे यूज करना है टेबल में मौजूद डेटा को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन करके रखा। उसके बाद आपको सेल वाले बटन पर क्लिक करना है, इससे आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। फिर आपको जो है डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना होगा MySQL डेटाबेस से। ये करने के लिए आपको MySQL लिखना है, -u देना है। फिर आपको अपना यूजर नेम लिखना है जो कि बाय डिफॉल्ट रूट होता है, स्पेस देना है, -p लिखिए। फिर आपको अपना पासवर्ड लिखना है जो कि बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होता है। फिर आपको एंटर दबाना है। फिर आप एंटर दबाइए, MySQL डेटाबेस से आपका कनेक्टिविटी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे MySQL के अंदर कौन कौन से डेटाबेस मौजूद है। इसके लिए आपको क्या करना है, शो लिखिए, डेटाबेसेस लिखिए, सेमीकॉलन लगाइए, एंटर दबाइए। जिस डेटाबेस पे आज हम लोग वर्क करने वाले उसका नाम गांगुली टेक है, तो हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यूज लिखना है, गांगुली टेक लिखना है, सेमीकॉलन लगाना है, एंटर दबाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल मौजूद है वो हमें देखना है। तो हम लोग लिखेंगे शो टेबल्स इस तरीके से, और फिर सेमीकॉलन लगाएंगे, फिर हम लोग एंटर दबाएंगे। तो ये आपका जो टेबल का नाम आ गया। जिस टेबल पे आज हम लोग वर्क करने वाले, जिस टेबल के डेटा को आज हम लोग अपडेट करने वाले, उसका नाम है कोर्सेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोर्सेस टेबल में कौन सा डेटा मौजूद है उसको हम लोग आउटपुट में देखते हैं, और 10 रोज तक का डेटा हम लोग आउटपुट में लेंगे। इसके लिए हम लोग लिमिट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो आपने क्या किया, सेलेक्ट लिखा, स्टार लगाया, फ्रॉम लिखा, कोर्सेस लिखा, लिमिट लिखा, 10 लिखा, सेमीकॉलन लगाया, एंटर दबाया। तो ये देखिए आपका जो कोर्सेस टेबल में जो डेटा मौजूद है वो आपका आउटपुट में आ गया। अब जैसे कि मैं आपसे ये कहता कि जो MySQL डेटाबेस वाला जो कोर्स है, इसका जो फीस है हमको 4500 से बढ़ाकर मान लीजिए 10,000 करना, तो आप वो कैसे करेंगे। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको अपडेट लिखना होगा, स्पेस देना होगा टेबल का, फिर आपको नाम लिखना होगा जो कि यहाँ पे कोर्सेज है। उसके बाद आपको एंटर दबाना है, फिर आपको सेट लिखना है, ये भी आपका कीवर्ड है SQL का। फिर आपको स्पेस देना है, फिर आप उस कॉलम का नाम लिखिए जिसकी वैल्यू को आप अपडेट करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे फीस है। फिर आप इक्वल टू लगाइए, और फिर इस फीस वाले कॉलम पे जो नई वैल्यू आप जो है अब डालना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए। और जो फीस वाला हमारा जो कॉलम है उसका जो डेटा टाइप है वो जो है आपका इंटीजर टाइप का है, तो हम लोग यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू लिखेंगे। और हम लोग कितना लिखेंगे, 10,000 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग 4500 से बढ़ा के सिर्फ 10,000 करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने लिख दिया। अब नेक्स्ट बात ये आता है कि अगर आप इस टेबल पे, कोर्सेज टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम्स के डेटा को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सेम वही सेट रहने देते हैं। आपने पहले वाले कॉलम का नाम लिख दिया, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट कॉलम कोई है उसका डेटा अपडेट करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उस कॉलम का नाम लिखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर नेम को ले लेते हैं, और उसका नाम हम लोग बदल के क्या कर देते हैं, संदीप कर देते हैं सिर्फ। और क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, इंस्ट्रक्टर नेम जो है उसका जो डेटा टाइप था वो वेयर कैर था, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में नया डेटा हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, इस तरीके से संदीप हमने लिख दिया। अब अगर इसमें आप अगर एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो फिर से आप कॉमा लगाते, कॉलम का नाम लिखते, इक्वल टू लगाते, नई वैल्यू लिखते, लेकिन हमें नहीं लेना तो हम लोग इसे, इस कॉमा को हटा देंगे। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए फिर आपको एंटर दबाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेयर क्लॉज का यूज करना है, ये बताने के लिए कि जो दो नया डेटा है कॉलम का वो आप कौन से रो पे जो है ऐड करना चाहते हैं। और हम लोग जिस रो पे ऐड करना चाहते हैं उसका जो आईडी वाले कॉलम पर जो वैल्यू है वो है 1, जो कि आपका जो कोर्स ने MySQL डेटाबेस का है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप वेयर लिखेंगे, उसके बाद आप आईडी लिखेंगे, फिर आप इक्वल टू लगाएंगे, फिर आप 1 इस तरीके से लिखेंगे, फिर आप सेमीकॉलन लगा दीजिए। ये आपकी कंप्लीट अपडेट क्वेरी हो गई। फिर आपने एंटर दबाया और देखिए आपका जो एक रो है वो आपका अफेक्टेड हो गया, मतलब वैल्यू चेंज हो गई। अब हम लोग सेम इस टेबल का जो है आउटपुट देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट लिखना है, स्टार लगाना है, फ्रॉम लगाना है, फिर आप टेबल का नाम लिखिए जो कि कोर्सेज है, स्पेस दीजिए, लिमिट कर दीजिए, 10 रोज तक का ही डेटा जो हमें आउटपुट में देखना है, सेमीकॉलन लगाया, एंटर दबाया। तो अब आप देख सकते हो जो MySQL वाला जो डेटाबेस था, पहले आपका क्या था, पहले इंस्ट्रक्टर नेम संदीप गांगुली था कंप्लीट, उसके बाद फीस इसकी 4500 थी, लेकिन अब क्या हो गया, इंस्ट्रक्टर नेम बदल के संदीप हो गया और फीस इसकी बढ़ के 10,000 रुपीज हो गई। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपने टेबल में डेटा को अपडेट करना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने जो अपडेट के साथ जो ये वेयर क्लॉज लगाया, ये लगाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप ये नहीं लगाते तो क्या होता कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्टर नेम वाला जो कॉलम दिख रहा है, इसमें हर जगह जो आपने जो ये वैल्यू दिया था हर जगह वो वैल्यू चढ़ जाती है, मतलब हर जगह संदीप 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 लिख के आने लगता है, और हर कोर्स का जो फी वाला कॉलम है वो भी जो है आपका 10,000 10,000 10,000 हो जाता है। तो ये एक बात को याद रखिएगा,
अपडेट के साथ हमेशा वेयर आपको यूज करना है। वेयर आपको ये बताता है कि कौन से रो पर जो है आप डेटा को अपडेट कर रहे हैं। अगर आप वेयर लगाना भूल जाते हैं तो सारे कॉलम्स में जो होगा आपका ये सारी वैल्यू यहाँ पे चढ़ जाएगी, हर रो में जो होगा आपका ये नया वैल्यू चढ़ जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इसको जो है रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने डेटाबेस का बैकअप लिया हुआ है तभी काम आपका ठीक हो पाएगा, वरना आपका डेटा ही पूरा लॉस हो जाएगा। तो याद रखना इस बात को आपको हमेशा, अपडेट के साथ आपको वेयर का हमेशा यूज करना है, इसको आप भूलिएगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने ये गलती करी तो फिर आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये जो है आपको अपडेट का यूज़ करने का तरीका है। अब अगर आपका इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।